एवरीवन, मैं ऋतु मर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी रिसेंट मैंने एक वीडियो बनाई थी डॉगी स्टाइल के ऊपर, जिसमें मैंने कहा था कि औरतें अक्सर डॉगी स्टाइल को क्यों पसंद नहीं करती और पसंद करती भी है तो रिजेक्ट क्यों करती है। काफ़ी पॉपुलर वीडियो है, ज़रूर देखना। उसी वीडियो के रिगार्डिंग मेरे पास काफ़ी मेल आई है कि मैम आपने औरतों के बारे में तो बताया, अब इसी पोजिशन को लेकर मर्दों की क्या सोच है वो भी खैर बता दो। देखिए, डॉगी स्टाइल को लेके औरतों के जितने नेगेटिव सोच है मर्दों की उतनी ही पॉजिटिव। 100 में से 90% लड़के जो इस पोजीशन को काफ़ी पसंद करते हैं। अलग अलग मर्दों की रीज़न जो कि कारण है अलग अलग हो सकता है, बट आखिर में 90% मर्दों को ये पोजीशन पसंद आता ही आता है। तो चलिए फटाफट बात करते हैं वो रीजन्स के बारे में जिस कारण मर्दों को ये पोजीशन पसंद है। और अगर कोई औरत मेरी वीडियो देख रहा है ना, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आपको भी पता चल जाएगा भाई कि आपका जो पति देव है या फिर आपका जो पार्टनर है, बेड पार्टनर है, वो आपको डॉगी स्टाइल के लिए इतना अप्रोच क्यों करता है और कहाँ पे आपको हाँ कर देनी चाहिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो रीज़न होता है पता है क्या, वो है मर्द ना एक कंट्रोल फील करता है। क्योंकि जब वो एक फीमेल पार्टनर के साथ इस पोजीशन में होता है, औरतों का जो पूरा शरीर है ना, उसकी कंट्रोल उसके अपने दोनों हाथों में होता है, तो वो अपना और अपने फीमेल पार्टनर दोनों का सपोर्ट काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाता है और कंट्रोल भी कर पाता है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाते हैं, खासतर मर्द। इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के ऊपर, वो है कि काफ़ी सारे मर्दों को ना कुछ भी देखना नहीं, फील करना पसंद होता है। यानी कि वो एक फीमेल पार्टनर के आंखों में आंखें डाल के करने के बजाय वो इस द ग्रेट फिजिकल रिलेशन को ग्रेट तरीके से फील करना चाहता है और इंजॉय करना चाहता है, इसीलिए उसको भरपूर मज़ा लेना काफ़ी पसंद होता है और वो इस पोजीशन में काफ़ी हद तक पॉसिबल है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 के ऊपर, और वो है कि काफ़ी सारे मर्दों को ना जो इंसर्शन प्रोसेस है वो अपनी दोनों आँखों से देखना पसंद होता है। जैसे कि वो जब कर रहा होता है उस मोमेंट को वो अपनी आँखों से देखना चाहता है, और ये किसी और पोजीशन में पॉसिबल नहीं है। ख़ास तौर से अगर वो लेट के कर रहा हो या किसी और पोजीशन में, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं देख पाता है जितना वो अपने आप को डॉगी स्टाइल में देख पाता है। और इसीलिए ऐसे मर्दों को जो इस फैंटेसी रखता हो उसको ये पोजीशन बहुत ही पसंद है। बहुत से मर्दों को पता है करने के दौरान थोड़ा डोमिनेंट होना पसंद है, जैसे कि वो फीमेल पार्टनर के पिछवाड़े पे थोड़ा चाटा ही लगा दे या फिर हल्का सा बाइट करना, लव मेकिंग प्रोसेस, कुछ और भी चीज़ें हो वो पसंद होता है। वो थोड़ा सा फीमेल पार्टनर को डोमिनेट करते हुए करना पसंद है और वो इस पोजीशन में काफ़ी पॉसिबल है, क्योंकि मेल पार्टनर प्रॉपरली अपनी बॉडी को अपनी कंट्रोल में रख पाता है, इसीलिए इंसर्शन के दौरान ये सारी चीज़ें भी उसके लिए काफ़ी हद तक पॉसिबल है। चलिए बढ़ते हैं अगले रीज़न के ऊपर। देखिए, अगर आप इमोशन को साइड में रख के सिर्फ इसको इंजॉय करना चाहते हो, इसको अलग तरीके से इसका मज़ा लेना चाहते हो ना, तो दिस पोजीशन इज़ आइडियल फॉर दोज कपल्स, बिकॉज इट्स अ वेरी नॉटी पोजीशन। इस पोजीशन में आप पूरी तरीके से अपने आप को उभार पाते हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर वो शाइनेस को हटा के इस पोजीशन में घुस जाए ना, तो दोनों ही अपने अपने तरीके से इंजॉय कर सकता है। बट बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं पता है, जो इस पोजीशन को सिर्फ ख्याल में रख पाते हैं, ख्याली पुलाव पकाना होता है ना वैसा। वास्तव जीवन में यानी कि रियलिटी में ये पोजीशन उनके लिए करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मर्दों को जल्दी झड़ जाता है। अगर किसी का जल्दी झड़ जाता है ना दोस्तों, तो ये पोजीशन कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहली बात तो फीमेल पार्टनर को अच्छे से राउस करना होता है, फीमेल पार्टनर को काफ़ी अच्छी तरीके से रेडी करना होता है, और हो सकता है कि इस पोजीशन से पहले आपको फीमेल पार्टनर को यूज्ड टू करने के लिए कोई और पोजीशन पहले ट्राई करना होता है, देन आप इंजॉयमेंट के लिए या क्लाइमेक्स के लिए इस पोजीशन में स्विच कर सकते हो अपने आप को। तो इसीलिए जिसका बहुत जल्दी ही गिर जाता है उसके लिए ये पोजीशन बिल्कुल ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर आपका जल्दी झड़ जाता है ना, तो इस केस में अपनी फैंटेसी को दबाओ नहीं, इसका ट्रीटमेंट करो। आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, तो उस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा भाई। आप चाहो तो मेंश्योर प्रोलॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हो, ये 100% सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, जो काफ़ी अच्छी तरीके से आपके स्ट्रेस डिप्रेशन लेवल को कम करते हुए या फिर किसी भी रीज़न से ये सेफ
सिक्योर और ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है जो बहुत ही तेज़ी से आपके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्योंकि अक्सर मर्दों को ना एक्सेसिव स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी तरीके का तनाव हो, या फिर हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, या फिर बॉडी में किसी भी और दिक्कतों की वजह से, किसी भी दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से ना उनको प्रीमेच्योर डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें वो सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके बॉडी में इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए आपके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एज लाइक इसमें हनी गोट वीट, माका रूट, जिनसेंग, कंच बीज, अश्वगंधा, सफ़ेद मुसली विद धारी कंद, शिलाजी, तालमखाना, जयफल, शतावरी, गोखरू, जवित्री, हमन लाल और लौंग जैसे तत्व शामिल हैं। ये जो प्रॉपर कॉम्पोजिशन है ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके प्रीमेच्योर डिस्चार्ज के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और एक बात है दोस्तों, कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा काम नहीं करता, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। ये बिना साइड इफेक्ट के आपके बॉडी में काम करता है और ये जीएमपी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। और इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, 1MG, हर जगह पे ये अवेलेबल है। अगला जो रीज़न है वो है जिन मर्दों को डीप इंसर्शन पसंद है, यानी कि वो चाहता है कि उसका जो भी साइज है वो प्रॉपर इंसर्ट हो और वो उसको खुद भी फील करे, ऐसे मर्दों को ये पोजीशन सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस पोजीशन में ये 100% पॉसिबल है। और इस पोजीशन को ट्राई करने के लिए ना मर्दों को अक्सर उतनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती जितनी बाकी, यानी जो मिशनरी पोजीशन है या फिर कोई भी और पोजीशन है ना, उन पोजीशन में मर्दों को जितना पावर, जितना स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, डॉगी स्टाइल में उससे थोड़ा कम लगता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी होती है वो उसके कंट्रोल में होती है, वो अपने बैलेंस को खुद कंट्रोल कर पाता है, इसलिए स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है वो थोड़ा कम लगता है। मर्द बड़े आराम से इस पोजीशन को एग्जीक्यूट कर पाता है और क्लाइमेक्स मोमेंट को एंजॉय कर पाता है। लास्ट रीज़न इज़ बहुत सारे मर्दों को ना अपनी फीमेल पार्टनर को करते हुए टच करना, सक करना, या फिर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स को छू के इंजॉय करना पसंद होता है, और इस पोजीशन में इंसर्शन के दौरान ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। ठीक जैसे ही औरतों को ये पोजीशन काफ़ी खटकता है, वो उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में मर्दों को ये पोजीशन बहुत ही पसंद होता है। भले ही रेगुलर कपल्स जो होते हैं ना वो अपने बेडरूम लाइफ में इसको खास इंजॉय ना कर पाए, क्योंकि फीमेल पार्टनर रिजेक्ट कर देते हैं ना अक्सर, पर चुपके से मर्द को इस पोजीशन को ट्राई करना काफ़ी अच्छा लगता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो व्यूअर्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।